यूरोप में एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे। जी हाँ, और उसका कैपिटल आता है ओस्लो। वहां कभी जाइएगा तो यह सीन आम तौर पर पाइएगा। एक रेस्टोरेंट है, उसके कैश काउंटर पर एक महिला आती है और कहती है 5 कॉफी और 1 सस्पेंशन। फिर वह 5 कॉफी के पैसे देती है और 4 कप कॉफी ले जाती है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आता है और कहता है 4 लंच 2 सस्पेंशन। वह 4 लंच के पैसे का भुगतान करता है और 2 लंच पैकेट ही ले जाता है। फिर एक और आता है, ऑर्डर देता है 10 कॉफी 6 सस्पेंशन। वह 10 के लिए भुगतान करता है, 4 कॉफी ले जाता है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी जर्जर कपड़ों में काउंटर पर आकर पूछता है, कोई सस्पेंडेड कॉफी है? काउंटर पे बैठी वो लड़की कहती है, जी हाँ बिल्कुल है, और 1 कप गर्म कॉफी उसकी तरफ बढ़ा देती है। कुछ देर बाद वैसी ही हालत में एक और दाढ़ी वाला आदमी अंदर आता है और पूछता है, क्या कोई सस्पेंडेड लंच है? तो काउंटर पर मौजूद एक व्यक्ति गर्म खाने का एक पार्सल और पानी की एक बोतल उसको दे देता है। और यह क्रम एक ग्रुप द्वारा अधिक पेमेंट करने का और दूसरे ग्रुप द्वारा बिना पेमेंट खान पान ले जाने का दिन भर चलता रहता है। यानी अपनी पहचान ना कराते हुए और किसी के चेहरे को जाने बिना भी अज्ञात गरीबों जरूरतमंदों की मदद करना, यह है नॉर्वे नागरिकों की परंपरा। और बताया गया है कि यही कल्चर अब यूरोप के कई अन्य देशों में भी फैल रहा है। और हम यहां अस्पतालों में 1 केला 1 संतरा मरीजों को बांटेंगे, सारे मिलकर अपनी पार्टी अपने संगठन का ग्रुप फोटो खींचा कर अखबार में छापेंगे, ऐसी ही परिस्थिति है कि नहीं? क्या भारत में भी इस प्रकार की खानपान की सस्पेंशन प्रथा का प्रारंभ हो सकता है? यदि हो सके तो भारत फिर से सोने की चिड़िया वाला देश कहला सकता है, जहां हम हमारे अपने लोगों की भी उतनी कदर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। हर व्यक्ति जो इस भारतवर्ष में जी रहा है वह सब अपनी खुशी फिर से प्राप्त कर सकते हैं। मानवता श्रेष्ठ है।